मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम सीखेंगे ऊ की मात्रा वाले शब्द। यहाँ पे देखो ऊ की मात्रा वाले शब्द, हमने पहले भी ऊ की मात्रा की थी, आज वापस ऊ की मात्रा करेंगे। तो पहले हमने कौन सी ऊ की मात्रा की थी? तो पहले हमने छोटे ऊ की मात्रा की थी। वो ऊ कौन सा था? तो वो ऊ छोटे ऊ की मात्रा वाला था। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, ये है ऊ, और इसकी मात्रा क्या हो थी? ये वाली मात्रा ऐसे थी। आज हम करेंगे बड़े ऊ की मात्रा। तो यहाँ पे देखो बड़ा ऊ ये रहा, तो बड़े ऊ की मात्रा ये बड़ा ऊ है, और इसकी बड़े ऊ की मात्रा ऐसे आएगी। कैसे आएगी? सॉरी, बड़े ऊ की मात्रा ऐसे आएगी। तो हमने छोटे ऊ की मात्रा तो कर ली, आज हम क्या करेंगे? बड़े ऊ की मात्रा करेंगे। तो अब सब अपनी टेक्स्ट बुक में निकालो, पेज नंबर 24। सबके बुक में पेज नंबर 24 पे है, देखो बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द सबके बुक में है। तो आज हम वो निकालो, आज हम वो पढ़ेंगे। अब सबने निकाल लिया, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊ की मात्रा वाले शब्द, यहाँ पे सबके बुक में लिखा हुआ है। हाँ, तो हम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? देखो, पढ़ो और समझो। हमें देखना है, पढ़ना है और समझना है। फर्स्ट ड्रॉइंग कौन सा है? फूल का है। कौन सा है? फूल का है। तो यहाँ पे देखो फ, फिर छोटे ऊ की मात्रा है कि बड़े ऊ की मात्रा है? यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है। तो फ के नीचे ऊ की मात्रा आएगी तो क्या आएगा? फू आएगा। क्या आएगा? फू आएगा। और हमें क्या याद रखना है? ऊ की मात्रा हमेशा नीचे आती है। अगर कोई भी हम वर्ड्स लिखते हैं और ऊ की मात्रा आई तो हमें कहाँ लगानी है? ऊ की मात्रा नीचे लगानी है। अगर मुझे लिखना है माँ पे ऊ की मात्रा लगानी है तो मैं कहाँ पे लगाऊंगी ऊ की मात्रा? तो ये क्या हो जाएगा? मुंह। क्या हो जाएगा? मुंह। तो हमें ऊ की मात्रा कहाँ लगानी है? नीचे लगानी है। तो चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ो और समझो। यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग को देखिए, हमें रीड करना है फ प्लस ऊ की मात्रा। तो फ के नीचे ऊ की मात्रा है तो क्या आएगा? फू। फू ल। तो यहाँ पे भी देखो मैंने लिखा हुआ है फ प्लस ऊ की मात्रा तो क्या होगा? फूल। फूल फ के नीचे आई है, देखो ऊ की मात्रा। फिर सेकंड भ प्लस आ की मात्रा भा, ल प्लस ऊ की मात्रा लू, भा लू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लू। ल में भी देखो ऊ की मात्रा कहाँ पे आई? नीचे आई है। और ये कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा है। तो इसे क्या रीड करेंगे? लू। अब धू ल, यहाँ पे देखो ध के नीचे ऊ की मात्रा लगी है तो धू ल, धू ल। ज प्लस ऊ की मात्रा जू, ज और ऊ की मात्रा जू ल, जू ल। फिर ग, फिर ऊ की मात्रा गु, ग प्लस ऊ की मात्रा गु, गु म, गु म। फ प्लस ऊ की मात्रा फू, फ प्लस ऊ की मात्रा फू ट, फू ट। ज प्लस ऊ की मात्रा धू प, धू प, धू प। अब देखो यहाँ पे र आया है। क्या है? र आया। तो आपको मैंने क्या बोला कि ऊ की मात्रा नीचे लगती है, पर आपको ये याद रखना है कभी भी अगर ऊ की मात्रा र पे आएगी तो वो र के नीचे नहीं, पर कहाँ पे आएगी? र के बीच में आएगी। कहाँ पे आएगी? र के बीच में। हमने देखा हर जगह पे ऊ की मात्रा कहाँ पे लगाई है? नीचे लगाई है। सब में देखो ऊ की
मा प्लस उ की मात्रा मू र त अ प्लस म र और उ की मात्रा। यहाँ पे देखो मैंने प्लस करके उ की मात्रा तो लगाई है पर ये उ की मात्रा र पे कहाँ पे आएगी तो र के बीच में आएगी। तो अ देखो यहाँ पे देखो मैंने ये अ लिखा है तो यहाँ पे मैंने भी अ लिखा, फिर यहाँ पे म लिखा है तो मैंने भी म लिखा, पर र के बाद यहाँ पे मैंने उ की मात्रा की है तो र के मैंने बीच में मात्रा की है अमरूद, तो ये क्या हुआ अमरूद। समझ आया आपको उ की मात्रा में क्या करना है, र में जो मात्रा आती है वो र की मात्रा र के नीचे नहीं पर र के बीच में लगानी है। तो ये सारे शब्द कैसे थे, बड़ी उ की मात्रा वाले थे। हमने रीड किया ये सब, अब हमें क्या करना है पढ़ो और सुनाओ, हमें पढ़ना है और सुनाना है। तो ट प्लस ई की मात्रा टी, क्या होगा टी, टी नू टी नू। झ प्लस उ की मात्रा जू, देखो यहाँ पे सारी मात्राएं आएगी, झ प्लस उ की मात्रा जू, ल प्लस आ की मात्रा ला, टी नू जूला, झ प्लस उ की मात्रा जू, ल टीनू जूला जूल, र फिर ह और ई की मात्रा तो रही, थ प्लस ई की मात्रा थी, टीनू जूला झूल रही थी। ऊ स क प्लस आ की मात्रा का उसका, झ प्लस उ की मात्रा जू, त प्लस आ की मात्रा ता जूता, द प्लस उ की मात्रा दूर, ई की मात्रा फिर ग, ग पे ई की मात्रा तो क्या होगा गी गी, र ग य प्लस आ की मात्रा या, उसका जूता दूर गिर गया, वह क प्लस उ की मात्रा कू, द प्लस ई की मात्रा दी, वह कूदी, अ र यहाँ पे देखो अ र, ग पे ई की मात्रा गी, र प ड प्लस ड पे कौन सी मात्रा है ई की मात्रा है तो डी, वह कूदी और गिर पड़ी, नानी नहनी आई, नानी ब प्लस उ की मात्रा तो क्या होगा बू, ढ पे ई की मात्रा डी, नानी बूढ़ी, थ पे ई की मात्रा थी, नानी आई नानी बूढ़ी थी, नानी क पे आ की मात्रा का, झ पे उ की मात्रा जू, नानी काजू, ख झ प्लस उ की मात्रा जूर, नानी काजू खजूर, और अमर पे देखो र पे उ की मात्रा कहाँ पे लगाइए र के बीच में लगाइए तो अमरूद, भ पे ई की मात्रा भी, लाई नानी काजू खजूर और अमरूद भी लाई, ट पे ई की मात्रा टी, न पे उ की मात्रा नू टी नू, आ लू ल पे उ की मात्रा है आलू, और क च पे आ की मात्रा चा, ल पे उ की मात्रा लू कचालू खा, टीनू आलू और कचालू खा, खजूर भी खा। हम वापस एक बार रीड करते, टीनू झूला झूल रही थी, उसका जूता दूर गिर गया, वह कूदी और गिर पड़ी, नानी आई नानी बूढ़ी थी, नानी काजू खजूर और अमरूद भी लाई, टीनू आलू और कचालू खा, खजूर भी खा। अब पेज टर्न करो, पेज नंबर 25। सबने पेज टर्न कर लिया। अब यहाँ पे देखो लिखा है मौखिक, क्या लिखा है मौखिक, हमें मौखिक करना है मतलब बोल बोल के करना है, ओरल करना है। तो यहाँ पे लिखा है पढ़कर बताओ, हमें ये रीड करके दिखाना है।
तो फ पे उ की मात्रा फू ट फूट, फ पे उ की मात्रा फू ट प्लस अ की मात्रा टा फूटा, फ पे उ की मात्रा फू ट पे इ की मात्रा टी फूटी, झ पे उ की मात्रा जू म झूम, झ पे उ की मात्रा जू म पे आ की मात्रा मा जूमा, झ पे उ की मात्रा जू म पे इ की मात्रा मी, घ पे उ की मात्रा घू म घूमा, घ पे उ की मात्रा घू म पे आ की मात्रा मा घूमा, घ पे उ की मात्रा घू म पे इ की मात्रा मी घूमी, टू ट पे उ की मात्रा टू ट टपे उ की मात्रा टू टपे आ की मात्रा टा टू टा, टपे उ की मात्रा टू टपे इ की मात्रा टी टू टी, रपे उ की मात्रा रू प रू प, रपे उ की मात्रा रू पपे आ की मात्रा पा रू पा, रपे उ की मात्रा रू पपे आ की मात्रा पा, लपे इ की मात्रा ली रूपाली, अपे आ की मात्रा आ लपे उ की मात्रा लू आलू, नपे की मात्रा नी बपे उ की मात्रा बो निम्बो, कपे सॉरी कपे चपे आ की मात्रा चा लपे उ की मात्रा लू कच्चालू। हम वापस एक बार रीड करते हैं अब। फूट फूटा फूटी, झूम झूमा झूमी, घूम घुमा घूमी, टूट टूटा टूटी, रूप रूपा रूपाली, आलू नींबू कचालू। अब उसके नीचे देखो लिखा हुआ है लिखित, पढ़ो और गलत शब्दों पर गोला लगाओ। हमें क्या करना है, रीड करना है और जो गलत लिखा है उस पर हमें सर्कल करना है। तो पहला क्या लिखा है, रू प या, तो ये रुपया राइट लिखा है क्योंकि र की मात्रा कहाँ पे, ऊ के बीच सॉरी र के बीच में लगाई है तो ये राइट है। फिर रू पा, यहाँ पे भी देखो र की मात्रा र के बीच में लगाई है तो यस ये भी राइट है। अब रू भी, यहाँ पे रूबी में देखो र की मात्रा कहाँ पे लगाई है, र के नीचे लगाई है, पर मैंने आपको क्या सिखाया है ऊ की मात्रा कहाँ आती है, र के बीच में आती है, बीच में आती है तो ये रॉन्ग है। तो हमें यहाँ पे सर्कल करना है, आप भी मेरे साथ आपकी बुक में सर्कल करो। अब देखो अ म रू द, यहाँ पे देखो र की मात्रा कहाँ पे लगी है, र के बीच में लगी है तो ये राइट है। का जू, यहाँ पे देखो ऊ की मात्रा कैसी है, छोटे ऊ की मात्रा करनी है, छोटे ऊ की मात्रा है, पर हमें यहाँ पे कौन सी मात्रा करनी है, बड़े ऊ की मात्रा, तो ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे भी सर्कल करो। फिर रू ठ ना, यहाँ पे भी देखो र की मात्रा बीच में लगाइए तो ये राइट है। फिर रू क ना, यहाँ पे भी देखो र में ऊ की मात्रा र के बीच में है। रू ई, देखो यहाँ पे देखो फिर से र की मात्रा कहाँ पे आ गई है, नीचे आ गई है तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे भी सर्कल करो। अब अ रू ण, यहाँ पे भी देखो र की मात्रा कहाँ पे लगा दी, ऊ की मात्रा र पे ऊ की मात्रा नीचे लगा दी, हमें कहाँ करनी है बीच में, तो ये भी रॉन्ग है, सर्कल करो। कू रू प, यहाँ पे देखो कू रू प, यहाँ पे देखो र की मात्रा कहाँ पे आई है, तो र के बीच में आई है, ये वर्ड राइट है। अब क्वेश्चन नंबर टू, दिए गए शब्दों का ऊ या बड़ी ऊ की मात्रा से मिलन करो। यहाँ पे दोनों ऊ की मात्रा दी है, छोटी ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, तो हमें क्या करना है, देखो ये छोटी ऊ की मात्रा वाले हैं उसको जो यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द है उससे मैच करना है, और यहाँ पे जो बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द है उसको बड़ी ऊ के मात्रा के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं झा मू न, तो म में छोटी ऊ की मात्रा है या बड़े ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा है, तो हमें कहाँ पे मैच करना है, इसको छोटे ऊ के साथ, तो सब मेरे साथ मैच करो। किया सबने,
अब देखो झूला, झ में कौन सी मात्रा है, बड़े उ की मात्रा है। यहाँ पे देखो इसका मुंह ये साइड है और ये बड़े उ की मात्रा है, तो यहाँ पे मैच करो झूला। फिर भालू, ये कौन सी मात्रा है, बड़े उ की मात्रा है, तो इसको भी बड़े उ के साथ मैच करो। फिर चूहिया, ये देखो ये कौन सी मात्रा है, इस साइड मुंह है इसका, देखो मुंह किस साइड है, ये साइड है, ये छोटे उ की मात्रा है, तो हमें मैच करना है छोटे उ की मात्रा के साथ। देखो ये छोटे उ की मात्रा छोटे उ के साथ मैच की, ये बड़े उ की मात्रा बड़े उ के साथ, ये भी बड़े उ की मात्रा है तो बड़े उ के साथ, और ये छोटे उ की मात्रा है तो इसे छोटे उ के साथ मैच किया है। अब फिर से पेज टर्न करो, निकालो पेज नंबर 26। सबने पेज टर्न कर लिया। अब पेज नंबर 26 पे क्या लिखा हुआ है, चित्रों को देखकर पूरा नाम लिखो। हमें ये ड्राइंग देख के हमें क्या करना है, पूरा नाम लिखना है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, झूला है। अगर आप मेले में जाते हो तो आपको ये झूले में बिठाते, तो ये है झूला। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ला तो लिखा हुआ है, तो हमें क्या लिखना है, झू लिखना है। तो झू, झू में कौन सी मात्रा आएगी, देखो ऊ, ऊ में बड़े उ की मात्रा आएगी, तो हमें लिखना है झू। देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ज प्लस उ की मात्रा, यहाँ पे देखो मैंने ज लिख लिया है, अब मैं क्या लिखूंगी, उ की मात्रा, तो झू। और यहाँ पे ला लिखा हुआ है, तो ये क्या हुआ, झू ला। अब ये क्या है, चूहा, क्या है, चूहा, तो हमें यहाँ पे लिखना है च और उ की मात्रा चू, चू और ह लिखा हुआ है, चूहा। फिर ये क्या है, दूध, मिल्क है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, दूध, तो हमें दूध लिखना है, तो द तो लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना है, द और उ की मात्रा दूध, दू द। ये क्या है, अमरूद, क्या है, अमरूद, तो यहाँ पे हमें अ और म लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना है, रूद, तो अब यहाँ पे र पे लिखना है, तो हमें र पे कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे मात्रा लगानी है कि यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे बीच में लगानी है, तो अमरूद, तो क्या हो गया पूरा, अमरूद। अब क्वेश्चन नंबर 4, र में ऊ या बड़े ऊ की मात्रा लगाओ। हमें क्या करनी है, ये सारे र पे छोटे और बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। तो आप पेंसिल लेके रेडी रहो, आपने ये कंप्लीट किया, अब हम ये कंप्लीट करते हैं। तो चलो अमरूद, यहाँ पे ऊ की मात्रा लगानी है, तो कैसे लगेगी ऊ की मात्रा, तो चलो मेरे साथ लगाओ, र पे ऊ की मात्रा अमरूद, अमरूद वाला आया, आठ र पे, तो रोपे ऊ की मात्रा लगेगी, तो क्या हो जाएगा, रुपये का लाया, तो रुपये में रोपे ऊ की मात्रा लगा दो, रुपये, आठ रुपये लाख, सॉरी आठ रुपये का लाया। घूर, फिर जी, तो यहाँ पे घू, फिर र पे ऊ की मात्रा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रू, गुरु जी आए, तो अब हमें र पे क्या लगानी है, ऊ की मात्रा, तो र पे ऊ की मात्रा आ जाएगी, तो गुरु हो जाएगा, गुरु जी, यहाँ पे लगाओ ई की ऊ की मात्रा, गुरु जी आए। फिर र, फिर डैश, फिर पा, र डैश फिर लिखा है पा, तो र पे ऊ की मात्रा आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, रूपा, रूपा, यहाँ पे लगा ऊ की मात्रा, अब ऊ की मात्रा लग गई, अब इसे प्रनाउंस करेंगे तो क्या होगा, रूपा काजू ला। कर डैशना, तो कर डैशना, तो अब क, फिर र पे ऊ की मात्रा लगेगी, तो क्या होगा, करुणा, तो हमें यहाँ पे र पे ऊ की मात्रा लगानी है, करुणा, ऊ की मात्रा लगा दी, तो अब ये क्या रीड होगा, करुणा ज, फिर डैश, फिर र, तो झ र डैश र, तो झ पे कुछ नहीं है, र पे हमें आ मात्रा लगानी है, तो र पे ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो जरूर आएगी, तो र पे ऊ की मात्रा लगाओ, रू ऊ, जरूर
आएगी, करुणा जरूर आएगी। यह र फिर डैश माल, तो र पे ऊ की मात्रा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा रू, रू मा ल। तो हमें यहाँ पे क्या लगानी है, ऊ की मात्रा लगानी है। तो चलो लगाओ रू मा ल। यह रुमाल गिर गया। अब देखो वापस सब में र पे क्या लगाइए, ऊ की मात्रा लगाइए, और र में कहाँ पे आएगी, र के बीच में मात्रा आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5, हमें क्या करना है, अक्षरों को मिलाकर लिखना है। तो अब हम अक्षरों को मिलाकर लिखेंगे। चलो ज प्लस ऊ की मात्रा, तो हमें पहला क्या लिखना है, ज, ज प्लस ऊ की मात्रा, तो ऊ जू। अब क्या लिखा है, त, तो फिर त, और यहाँ पे लिखा है आ की मात्रा, तो हमें लिखना है आ की मात्रा, जू ता। अब देखो स, तो यहाँ पे लिखा है स, तो हमें भी पहले लिखना है स, लिखा सबने। फिर ऊ की मात्रा, तो हमें करनी है ऊ की मात्रा, सू। फिर लिखा है र, र ज, सू र ज। अब लिखा है ख, तो हमें भी लिखना है ख। फिर ज, तो हमें लिखना है ज। फिर लिखा है ऊ की मात्रा, तो हमें करनी है ऊ की मात्रा, जू र ख जू र। यहाँ पे देखो आप, पहले जू ता, तो यहाँ पे ज लिखा था, तो हमने भी ज लिखा, ऊ की मात्रा और ता, जू ता। स प्लस ऊ की मात्रा, सू र ज, सूरज। ख जू र खजूर। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ, हमें बड़े ऊ की मात्रा का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आपको बड़ी ऊ की मात्रा में याद इतना रखना है सिर्फ कि बड़ी ऊ की मात्रा में र की मात्रा र के बीच में आती है।